हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट आया है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ, नीट 2021 के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है उन सभी के लिए और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले एक रूल आया था रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उसके खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसकी सुनवाई जो है एक हो चुकी है और क्या डिसीज़न आया है, व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर जनरल कैटेगरी पेटिशनर्स चैलेंजिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा इन नीट ऑल इंडिया कोटा आर्ग्यू सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन 7th अक्टूबर। तो आपको बता दूँ, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क द सेंटर टू फाइल इट्स काउंटर विद इन 2 वीक्स इन राइट पटिशन चैलेंजिंग सेंटर नोटिफिकेशन ग्रांटिंग 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज थ्रू द नीट एग्जाम। द बेंच ऑफ जस्टिस डीवाई एंड बीवाई नागराथन डायरेक्टेड द यूनियंस काउंटर टू बी फिल्ड बाय 6 अक्टूबर एंड पोस्टेड द बैच ऑफ पटिशनर फॉर हेयरिंग ऑन अक्टूबर 7। यानी नेक्स्ट हेयरिंग इसकी 7 अक्टूबर को होगी। अभी जो हुई थी उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, तो 7 अक्टूबर को इसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। वन ऑफ द पटिशन ऑल्सो चैलेंज द ₹8 लाख सीलिंग लिमिट फिक्स फॉर डिटरमाइनिंग EWS कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन इन नीट ऑल इंडिया कोटा। तो ये लेटेस्ट अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 7 अक्टूबर पर इस पर सुनवाई होगी। अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि इसका जो है जो रिजर्वेशन है लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है, अगर ये रिजर्वेशन लागू होगा तो नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा ओबीसी की और जनरल की। लेकिन अगर ये नहीं लागू होता है तो आपके कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही लेटेस्ट अपडेट आपको देना था। चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।